एम चो, ऑल गुड. इन लास्ट लेक्चर वी हैव सीन अप टू क्वेश्चन नंबर वन, एक्सरसाइज 1.2, दैट इज द ट्रूथ टेबल्स एंड वेरियस क्वेश्चंस वर गिवन इन द होमवर्क, बट समहाउ होमवर्क्स ऑफ मैनी स्टूडेंट्स हैज नॉट येट केम. वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर टू based on the same concept, based on the truth tables. Using truth tables, prove the following logical equivalence. Equivalence मतलब equality भी बोल सकते हो आप, ठीक है. अभी ये तीन लाइन का मतलब होता है equivalence. ये और ये दोनों log table के truth table से आपको ये दिखाना है कि दोनों equal है. पहले अपन left hand side लेते हैं, ठीक है. Is not P and Q. अब इसका ट्रूथ टेबल बना लेते हैं, या दोनों का ट्रूथ टेबल साथ में बना सकते हो, आपके ऊपर है. अपन पहले अलग अलग बना के देखते हैं. नॉट पी एंड क्यू, दो ही स्टेटमेंट है, पी क्यू, फिर ये नॉट पी चाहिए, नॉट पी, फिर आएगा नॉट पी एंड क्यू. इसका ट्रूथ टेबल यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से. फिर पी की चार वैल्यू, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स. क्यू की चार वैल्यू, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. नॉट पी ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू. दोनों के बीच में एंड है, एंड में सिर्फ ट्रू ट्रू ही ट्रू होता है, एंड में ट्रू ट्रू ही ट्रू होता है, बाकी सब फॉल्स. यहाँ गया लेफ्ट हैंड साइड, सिमिलरली राइट हैंड साइड अपन देखते हैं पी और क्यू एंड नॉट पी. चलो इसमें भी दो ही स्टेटमेंट है, पी क्यू, फिर ये नॉट पी यहाँ पे निकाल लेता हूँ, फिर ये पहला ब्रैकेट है पी और क्यू, और फिर पी और क्यू एंड नॉट पी. अब ये दोनों सेम आने चाहिए, लास्ट कॉलम जो है ना दोनों के सेम ही आने चाहिए. पी की चार वैल्यू, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. नॉट पी, नॉट पी आएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू. पी और क्यू ये दोनों के बीच में और रहते हैं, ये सब ट्रू हो जाएंगे, सिर्फ लास्ट वैल्यू आएगा फॉल्स. अभी इसके दोनों के बीच में एंड है, ये दोनों के बीच में एंड है, तो ट्रू ट्रू ही ट्रू होता है, ये दोनों के बीच में एंड है तो ट्रू ट्रू ही ट्रू होता है, बाकी सब फॉल्स 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 फॉल्स. देख लो लास्ट कॉलम, नॉट पी एंड क्यू का वैल्यू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, एंड पी और क्यू एंड नॉट पी, पी और क्यू एंड नॉट पी, इसका लास्ट कॉलम फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स. सिंस लास्ट कॉलम ऑफ बोथ दी स्टेटमेंट्स आर इक्वल, देयरफॉर दीज टू स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्वल और दे आर इक्विवेलेंट्स. क्लियर? करना क्या है, समझ में आ गया आपको? सिंपल सी चीज़ है. दो इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए पहले इसका लास्ट मतलब इसका टेबल बनाओ इसका लास्ट कॉलम, इसका टेबल बनाओ इसका लास्ट कॉलम, ये दोनों क्या आने चाहिए? सेम आने चाहिए. अगर ये सेम आ जाते हैं तो ये लॉजिकल इक्विवेलेंस है और आएगा ही, उसने शो दैट बोला है तो. और एक क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर टू का, ठीक है. क्वेश्चन नंबर टू का और एक क्वेश्चन करता हूँ. क्वेश्चन नंबर सिक्स कर रहा हूँ. P implies Q and R is equivalent to P implies Q and P implies R. P implies Q and P implies R. ठीक है, अभी समझना ध्यान से. इसका लेफ्ट हैंड साइड वही कंसेप्ट है, अभी R वाला चीज आ गया. देखो लेफ्ट हैंड साइड आएगा P implies Q and R. अभी तीन स्टेटमेंट है, तीन स्टेटमेंट तो यहाँ पे आएगा P, यहाँ पे आएगा Q और यहाँ पे आएगा R. P का चार आठ वैल्यू आएगा ट्रू ट्रू ट्रू, चार बार ट्रू और चार बार फॉल्स. फिर Q का आठ वैल्यू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स. और आर का आठ वैल्यू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स,
ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। आगे अभी पहला ब्रैकेट आएगा क्यू एंड आर और लास्ट कॉलम आएगा पी इम्प्लाइज क्यू एंड आर। फिर यहाँ पे आ जाएगा आर एच एस। आर एच एस अपन देखते हैं बाद में, पहले ये सॉल्व कर लेते हैं पी इम्प्लाइज क्यू एंड पी इम्प्लाइज आर। इसके अंदर भी पी क्यू आर, पहला कॉलम पी इम्प्लाइज क्यू, दूसरा कॉलम पी इम्प्लाइज आर और लास्ट कॉलम तेरा फाइनल क्वेश्चन पी इम्प्लाइज क्यू एंड पी इम्प्लाइज आर। चलो अभी इसको देखते हैं क्यू एंड आर। क्यू एंड आर दोनों के बीच में एंड है तो इसमें ट्रू ट्रू ही ट्रू आएगा, ट्रू 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 ट्रू, बाकी तो सब फॉल्स है, बोला ना एंड में ट्रू ट्रू ही ट्रू आता है, बाकी सब फॉल्स। लिख दो, एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ठीक है। अभी किसके किस में बीच में इम्प्लाइज है, ये और ये है, ये पी और ये क्यू, मतलब इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। ट्रू ट्रू ये आ जाएगा ट्रू, ट्रू फॉल्स ये आएगा फॉल्स, ट्रू फॉल्स ये भी आएगा फॉल्स, ट्रू फॉल्स ये भी आएगा फॉल्स, फॉल्स ट्रू ये होगा ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू। इम्प्लाइज का टेबल देखना आ जाएगा आपको, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट इज पी पी आर्ट वैल्यू, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स। यहाँ पे दो बार ट्रू दो बार फॉल्स, दो बार ट्रू दो बार फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। पी इम्प्लाइज क्यू, इसमें भी पी और ये दोनों के बीच में है, ये ट्रू ये भी ट्रू, ये फॉल्स ये फॉल्स, ये ट्रू ये ट्रू, ये भी ट्रू और ये भी ट्रू। अभी किसके बीच में, पी और आर के बीच में, जो आर बोलेगा वो होगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू 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 एंड ट्रू। अब ये दोनों के बीच में एंड है, ये दोनों के बीच में एंड, एंड में दोनों ट्रू होगा तो ही ट्रू, ये ट्रू और ये सब ट्रू, एक दो तीन चार छः सात आठ, ट्रू फॉल्स 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 और सब ट्रू, ट्रू फॉल्स 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 सब ट्रू। देयरफॉर लास्ट कॉलम इक्वल है, देयरफॉर ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, लॉजिकल इक्विवेलेंस है। आ रहा है समझ में, है इजी, प्रैक्टिस लगेगा इसको, बिना प्रैक्टिस का ये सॉल्व नहीं होगा, आपको टाइम जाएगा, मेरे को मैं फटाफट कर दिया, आपका टाइम लग सकता है इसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू में मैंने दो सम किए हैं, इसका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर टू के, बाकी के सब मैंने लेफ्ट ओवर सम्स, होमवर्क आना चाहिए मेरे को सबका, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर से होमवर्क जब तक नहीं आएगा तब तक लेक्चर कंटिन्यू नहीं करूंगा मैं, मुझे होमवर्क कंपलसरी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री, हमारा पोर्शन इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, होमवर्क आप करोगे नहीं, बर्डन ऐसे ही बढ़ता जाएगा, मतलब नहीं इस तरीके से पढ़ने का। फिर क्वेश्चन नंबर थ्री, एग्जामिंग वेदर द स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टूटोलॉजी, टूटोलॉजी कॉन्ट्रेडिक्शन कॉन्ट्रेडिक्शन और कॉन्टीजेंसी। चलो अभी इसका मतलब क्या होता है, अभी इसका मतलब समझना, टूटोलॉजी कब होगा, टूटोलॉजी मतलब जब भी कोई भी स्टेटमेंट की ट्रूथ टेबल बनाने के बाद लास्ट कॉलम में सबकी सब वैल्यू ट्रू आती है, कोई भी स्टेटमेंट दिया होगा उसका लास्ट कॉलम देखेंगे उसमें सबकी सब वैल्यू अगर ट्रू आती है, सब वैल्यू ट्रू आती है तो वो टूटोलॉजी स्टेटमेंट, टूटोलॉजी है।
अगर ट्रू नहीं, सबके सब वैल्यू अगर फॉल्स आते हैं, सबके सब वैल्यू अगर फॉल्स आते हैं तो वो है कॉन्ट्राडिक्शन, और ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स दोनों भी मिक्स आते हैं, दोनों भी मिक्स आते हैं वो होते हैं कॉन्टिनजेंसी। कोई भी स्टेटमेंट का लास्ट कॉलम अगर सब वैल्यू ट्रू आती है तो ये टूटोलॉजी है, सब वैल्यू फॉल्स आता है तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, और अगर मिक्स आता है तो ये कॉन्टिनजेंसी है। लेट अस चेक, जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आएगा। इसका मैं क्वेश्चन नंबर करता हूँ थर्ड वन। नॉट ऑफ नॉट पी एंड नॉट क्यू क्लोज और क्यू, नॉट ऑफ नॉट पी, नॉट पी एंड नॉट क्यू और क्यू। चलो ये स्टेटमेंट क्या है वो आपको बताना है, समझना ध्यान से। सबसे पहले P और Q दो ही स्टेटमेंट है, तो P Q दो ही स्टेटमेंट है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए अपने को नॉट P और नॉट Q की जरूरत है, ये नॉट P और नॉट Q। फिर ब्रैकेट में पहला है नॉट P एंड नॉट Q, नॉट P एंड नॉट Q। फिर ब्रैकेट क्लोज होने के बाद ये नॉट है, इसका नॉट आएगा नॉट ऑफ नॉट P एंड नॉट Q, और लास्ट कॉलम इसके साथ और में क्यों आएगा नॉट ऑफ, नॉट ऑफ नॉट पी एंड नॉट क्यू और क्यू। ये कॉलम अपने को देखने का है। सॉरी, पी की चार वैल्यू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, क्यू की चार वैल्यू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, नॉट पी फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, नॉट क्यू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब ये दोनों के बीच में एंड है, ये दोनों के बीच में एंड है, एंड में सिर्फ ट्रू ट्रू ही ट्रू होता है और बाकी सब फॉल्स। इसी का नॉट निकालना, इसी का नॉट मतलब फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स। अब कौन से दोनों के बीच में और है, ये और क्यू के बीच में और है, और में दोनों में से एक भी ट्रू होता है तो आंसर ट्रू आएगा। खाली फॉल्स फॉल्स ही फॉल्स होता है, देखो फॉल्स फॉल्स ही फॉल्स होएगा, बाकी सब ट्रू, बाकी सब ट्रू। अभी इसमें ट्रू और फॉल्स दोनों मिक्स है, मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो कॉन्टिनजेंसी है। अगर ये में चारों के चारों ट्रू आते हैं तो टूटोलॉजी होता, चारों के चारों फॉल्स आते हैं तो कॉन्ट्रडिक्शन होता। ये मिक्स आया, ट्रू फॉल्स दोनों भी, दो बार ट्रू दो बार फॉल्स आता, या एक बार ट्रू तीन बार फॉल्स आता, कुछ भी आता ना तो कॉन्टिनजेंसी कहलाते हैं कॉन्टिनजेंसी। गेटिंग इट, है इजी। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। इसके अंदर भी 10 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी 10 क्वेश्चन है, मैंने दो किए मतलब इसके 8 सम होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1 में भी 10 सम थे, क्वेश्चन 2 में भी 10 है, क्वेश्चन 3 में भी 10 है, मतलब हर एक में से अगर मैंने दो दो भी सम किया है तो 8-8 सम आपको होमवर्क है। तो टोटल आज के मिला के क्वेश्चन नंबर 24 सम्स होमवर्क है। लेक्चर होते 24 सम आपको करने हैं सबके सब। और एक सम करता हूँ, अभी मैंने किया था क्वेश्चन नंबर 3, अभी मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, नॉट ऑफ नॉट क्यू एंड पी एंड क्यू, नॉट ऑफ नॉट क्यू एंड पी एंड क्यू। चलो स्टेटमेंट वापस दो ही है, पी और क्यू, सो विल राइट पी क्यू। पी का चार वैल्यू ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q का चार वैल्यू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। फिर नॉट Q चाहिए, ये अगर नॉट Q, नॉट Q क्या आएगा फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। फिर क्या आना चाहिए टेबल के हिसाब से, ये आएगा ब्रैकेट नॉट Q एंड P, मतलब नॉट Q एंड P दोनों के बीच में एंड, एंड में सिर्फ ट्रू ट्रू ही ट्रू होता है, बाकी सब फॉल्स। और इसी का नॉट निकालना है, नॉट ऑफ नॉट Q एंड पी
ठीक है, ये आ गया नॉट क्यू एंड बी। अभी इसका नॉट में आएगा ये फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, ये ट्रू और ये ट्रू, और फिर एंड है इसके साथ क्यू के साथ, नॉट ऑफ नॉट क्यू एंड पी एंड क्यू, क्यू के साथ एंड में जाएगा। एंड में क्या होता है, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू आएगा ट्रू, यहाँ आएगा फॉल्स, ये फिर से क्या हो जाएगा कॉन्टिंजेंसी। दिस स्टेटमेंट इज अ कॉन्टिंजेंसी, ठीक है, कर लोगे, ये हो जाएगा 24th सब होमवर्क है 1.2 एक्सरसाइज मिला के। जो भी लेफ्ट ओवर सम है वो सब करके मुझे व्हाट्सअप करो आप। जब तक होमवर्क नहीं आएगा मैं नेक्स्ट लेक्चर नहीं चालू करने वाला हूँ, सबका होमवर्क आने के बाद ही होमवर्क आगे का चालू होगा। नेक्स्ट इज क्वांटिफायर्स, एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। अब ये समझना है कि क्वांटिफायर्स क्या होता है और क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स क्या होता है। अभी जो हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा था कि बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट थे जो हम बोलते हैं लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं, जो ओपन स्टेटमेंट है। फॉर एग्जांपल एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू सेवन, तो ये स्टेटमेंट नहीं है बिकॉज इसमें एक्स का वैल्यू डिफाइंड नहीं है, सो दिस इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। तो ये टाइप के स्टेटमेंट को हम बोलते हैं दिस इज़ ओपन स्टेटमेंट, ओपन स्टेटमेंट, इसमें कोई भी वैल्यू आ सकती है। अगर हम 1000 केस लेंगे तो 1000 आंसर अलग अलग आ सकते हैं एक्स की, वैसे तो इनफाइनाइट आएंगे लेकिन हम उसको बोलते हैं ओपन स्टेटमेंट। तो ये ओपन स्टेटमेंट है, दिस आर नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। क्वांटिफायर्स इसी के लिए यूज़ होते हैं कि जो ओपन स्टेटमेंट है उसको लॉजिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे। क्वांटिफायर्स यूज़ करके ओपन स्टेटमेंट को लॉजिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, लॉजिकल स्टेटमेंट में। अगर एक बार लॉजिकल स्टेटमेंट आ गया तो या तो ये ट्रू होगा या तो ये फॉल्स होगा। अभी हम लोग इसकी कोई वैल्यू बता नहीं सकते, हाँ अगर मैं एक्स की वैल्यू 3 बताऊंगा तो ट्रू आएगा, अगर एक्स की वैल्यू 5 बताऊंगा तो फॉल्स आएगा, ओपन स्टेटमेंट है बता नहीं सकते। सो क्वांटिफायर्स क्या करने के लिए काम आएंगे, ओपन स्टेटमेंट को लॉजिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्वांटिफायर्स काम आते हैं। एंड आफ्टर दैट वो स्टेटमेंट कन्वर्ट हो जाता है यूजिंग क्वांटिफायर्स, दैट स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड एज क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। कैसे देखेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स। फर्स्ट वन इज ये उल्टा ए है, दिस इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल, यूनिवर्सल क्वांटिफायर, दिस इज, दिस बिलोंग्स टू फॉर ऑल, ठीक है, इसका मतलब फॉर ऑल। और उल्टा ई इसका मतलब है एग्जिस्टेंशियल, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स, इसका मतलब है फॉर सम, ठीक है। ये दोनों में से एक क्वांटिफायर यूज करना है आपको ओपन स्टेटमेंट को लॉजिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने के लिए। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, ए इक्वल्स 3, 5, 7, 9, 11, 12, डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इसका ट्रूथ वैल्यूज बताना है अपने को। अभी समझना, बिलोंग्स टू ए सच दैट x माइनस 8 इज इक्वल टू 1, और एक बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, उल्टा a दैट इज यूनिवर्सल क्वांटिफायर, x बिलोंग्स टू a, x इज एन p1
नंबर, ठीक है? चलो दो सब बता रहा हूँ, दो में पूरा आपको क्वेश्चन नंबर वन क्लियर हो जाएगा, ध्यान से समझना। ये कौन सा क्वांटिफायर यूज किया? एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, इसका मतलब बताए फॉर सम। अब इसको रीड करके समझने की कोशिश, फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स विच बिलोंग्स टू ए, फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स विच बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स माइनस एट इक्वल्स टू वन। अभी इसका मतलब है एक्स की वैल्यू जो है वो ए से आपको सिलेक्ट करनी है, इसमें से कोई तो वैल्यू, कोई तो एक वैल्यू कम से कम ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है क्या, वो चेक करो। लेट अस से एक्स माइनस एट इज इक्वल टू वन, तो इफ आई सपोज टेक नाइन, नाइन माइनस एट इक्वल टू वन, तो सेटिस्फाई हो रहा है क्या? हो रहा है ना। और ये कौन सा है? एक्स, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, दैट इज फॉर सम वैल्यू। तो फॉर सम वैल्यू, फॉर वैल्यू ऑफ नाइन दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, दैट इज वाई द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रूथ वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू, कॉज x is equal to 9 satisfies the given condition x minus 8 equals to 1। अभी इसके ऊपर आ जाता है फॉर ऑल, अभी इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें कोई तो एक वैल्यू सेटिस्फाई हो जाता है तो आंसर ट्रू आ जाता है, इसके अंदर ये जब यूज करेंगे तो सब वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए, सबकी सब वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए। अभी समझना ध्यान से, x इज एन इवन नंबर, तो a के अंदर जो भी है वैल्यू ये सब के सब इवन नंबर है क्या? नहीं है, तो ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी? फॉल्स। क्या आएगा रीजन? बिकॉज कौन सा वैल्यू इवन नंबर नहीं है वो लिख दो, आंसर मिल गया। समझने वाली बात है, ये जब यूज करोगे तो कोई एक वैल्यू सेटिस्फाई होगी तो आंसर ट्रू आएगा, ये जब आप यूज कर रहे हो तो सबकी सब वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए तो ही आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज आंसर फॉल्स आएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज ड्यूअलिटी ऑफ अ स्टेटमेंट। ड्यूअलिटी में करना कुछ भी नहीं है, ड्यूअल निकालने बोलते हैं, ड्यूअल मतलब चेंज करना है, एंड कन्वर्ट होगा, एंड इज कन्वर्टेड टू और, एंड और इज कन्वर्टेड टू एंड, वाइस वर्सा, एंड और का हो जाएगा और का एंड हो जाएगा, एंड का और हो जाएगा, ठीक है? और नेगेशन को कुछ भी नहीं करना है, और कुछ भी करना है नहीं आपको, इसमें लिखने की जरूरत कुछ है क्या आपको? वही देख रहा हूँ, नहीं है कुछ भी जरूरत नहीं। टी को सी करना, और सी को टी, टी को सी, स्मॉल का टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है? बहुत आसान है, देख लेते इसको भी अपन। सिर्फ इतना ही करना है, ड्यूअलिटी बोला होगा, वी हैव टू कन्वर्ट एंड टू और टू एंड, स्मॉल टी टू स्मॉल सी, एंड स्मॉल सी टू स्मॉल टी। क्वेश्चन नंबर टू, राइट द ड्यूअल। चलो ड्यूअल में आपको ये बता देता हूँ, पी और क्यू एंड आर, इसका ड्यूअल लिखना है। और एक बताता हूँ क्वेश्चन नंबर, अरे इजी है ये तो, क्वेश्चन नंबर एट बता देता हूँ। चलो ये सबसे आसान है, एकदम इजी है, सी और ब्रैकेट आएगा P एंड ब्रैकेट आएगा Q और R, ये ब्रैकेट क्लोज P एंड Q और R, फिर होगा नाइन सम चालू है, ठीक है? चलो क्या करने को बोलते हैं? ड्यूअल निकालने को बोलते हैं। ड्यूअल में क्या होगा, मैंने आपको अब भी बताया, ड्यूअल में क्या होगा, एंड का और का एंड, टी का सी, सी का टी, सॉल्यूशन ड्यूअल इधर लिखो, ड्यूअल ऑफ पी एंड P और Q एंड R is, यहाँ पे लिखेंगे P का P, ये क्या है एंड, इसका कर दो और है तो इसका कर दो एंड, ब्रैकेट Q, इसका करो और, इसका हो जाएगा R, इसका और एक चीज लिखो, डू नॉट नो
चेंज इन नेगेशन, नेगेशन को कुछ चेंज नहीं करना, इसका निकालो सॉल्यूशन। ड्यूअल ऑफ सी और ब्रैकेट पी एंड क्यू और आर इज, सी का क्या हो जाएगा टी, सी का हो जाएगा टी, एंड का हो जाएगा और का हो जाएगा एंड, पी ये एंड है इसका हो गया और, ब्रैकेट क्यू ये और इसका हो गया एंड, आर ब्रैकेट ओके आ जाएगा। हाँ ट्राई करना, इसके अंदर भी 10 सम है भाई, और क्वेश्चन नंबर 1 के 1.3 एक्सरसाइज होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 इसके सम्स भी है। पहले इतना तो कंप्लीट कर दो फिर आगे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 बचा है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अनलेस अंटिल आपका होमवर्क आना चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, और लाइव लेक्चर्स में विद इन 2 डेज चालू करूँगा। इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, हमारा वाईफाई का कनेक्शन जो है वो आ नहीं रहा है ठीक से, मेंटेनेंस चल रहा है कुछ अभी, और आई होप के 2 दिन में क्लियर हो जाएगा, तो आई विल बी एबल टू टेक लाइव लेक्चर्स ऑन जूम। टिल देन आप लोग अपना काम बंद मत करिए, मैं अल्टरनेट डे वीडियोस पोस्ट करता ही रहूँगा, जैसे टाइम मिले वैसे अपडेट करूँगा, लेकिन मुझे होमवर्क चाहिए, आई इंसिस्ट मुझे होमवर्क चाहिए, ठीक है। चलो बाय, सी यू, टेक केयर।